मुईन, आज ऑफिस से जल्दी घर आइएगा। अरे आप हुक्म करें जनाब, हम ऑफिस जाते ही नहीं हैं। ऑफिस जाना जरूरी है जनाब, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? देर तो वैसे ही हो गई है। कोई जरूरत नहीं ऑफिस जाने की, छुट्टी करने की, सीधा ऑफिस जाइए। भाई सीधे तो नहीं जा सकता। क्यों क्यों क्यों? कई जगहों पर गलियां हैं, मुड़ना पड़ता है, कभी दाएं कभी बाएं कभी दाएं कभी बाएं। अच्छा जल्दी जल्दी हाथ चलाएं। कहां दाएं बाएं? अरे मैं नाश्ता लगा रही हूँ, आगे फटाफट नाश्ता कीजिए। भाई मैं आज अंडा नहीं खाऊंगा। अंडा तो जरूरी है। देना जरूरी होगा, खाना जरूरी नहीं है। मैं अंडा दे रही हूँ, खा लीजिएगा। आप अंडा दे रही हैं? पका के दे रही हूँ, हाफ फ्राई खा लीजिएगा। हाफ फ्राई नहीं, फुल फ्राई कर देना। भाई मुझे जर्दी कच्ची अच्छी नहीं लगती। अच्छा बाबा पका दूंगी, बस अब जल्दी कीजिए। जी 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 बस आया 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 आया। और यह रही मेरी बीवी की तस्वीर, दिखाइए। अपनी बीवी? नहीं तस्वीरें। ये लो ये लो। ये तो हसीना की तस्वीरें हैं। हाँ हसीना मेरी बीवी। अरे ये मेरी बीवी है। अबे चल, ये मेरी बीवी है। वो तो मैं 2 साल के लिए बाहर चला गया था, मगर है ये मेरी बीवी। हसीना 2 साल आपकी बीवी है? फरमाइए। आदाब। आदाब? भाई बड़ा अखड़ किस्म का लहजा है आपका। आपने ये भी नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ। आप कौन है? पहले आप फरमाइए कि आप कौन। मेरा नाम मुईन है, मैं इस घर में रहता हूँ। अरे वाह क्या अच्छा नाम है आपका। मेरा नाम हुमायूं है। हुमायूं सईद नहीं, और ना ही हुमायूं महबूब। मैं सादा इलायची सुपारी हुमायूं, और मैं इस घर में आता जाता हूँ। क्या मतलब, कब आते हैं भाई? बस अब आ गया हूँ और अब वापस नहीं जाऊंगा। आप कौन है भाई? अभी तो बताया कि मेरा नाम हुमायूं है। बाबर का बेटा। कौन बाबर? अरे मुगलिया शहंशाह थे ना बाबर, उनके बेटे हैं ना हुमायूं, मिर्जा नासिरुद्दीन बेग मोहम्मद खान हुमायूं। इतने सारे लोग कहाँ इस दुनिया में? नहीं नहीं मैं अकेला हूँ। ये मेरी वाइफ है ना, साथ में ना खड़ी। ये घर मेरी वाइफ का है। अब बुढ़ापे में साथ छोड़ गई क्या? किसने कहा कि मैं बूढ़ा हूँ? अभी तो मैं जवान हूँ। अरे चाचा खुदा का खौफ करे, आपके जमाने में तो वो जो रेमबो होती ना रेमबो, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट होती थी। अरे वे इतने पुराने नहीं है, लाहौल विला कुआ था इल्ला बिल्ला। बस तुमसे कोई 2-4 साल ही बड़े होंगे। मेरे शनाख्ती कार्ड में घुसने की बिल्कुल कोशिश मत करे। मगर घर में घुसने की कोशिश जरूर करूंगा मैं। अंधी लगी हुई है क्या? अंदर हमारी बीवी है। अंदर मेरी बीवी है, बाहर निकलो तुम। क्या क्या क्या? ओ चाचा जी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना बदमाशी ना करना मेरे साथ। वरना क्या? वरना फिर मैं डर जाता हूँ ना। अरे भाई आप हैं कौन जो मेरी बीवी को अपनी बीवी कह रहे हैं? उम्र देखिए अपनी। अरे उम्र को छोड़िए, मेरा कॉन्फिडेंस देखिए। और यह रही मेरी बीवी की तस्वीर, दिखाइए। अपनी बीवी? नहीं तस्वीरें। ये लो ये लो। ये तो हसीना की तस्वीरें हैं। हाँ हसीना मेरी बीवी। अरे ये मेरी बीवी है। अबे चल, ये मेरी बीवी है। वो तो मैं 2 साल के लिए बाहर चला गया था, मगर है ये मेरी बीवी। हसीना 2 साल आपकी बीवी है? नहीं 2.5 साल से। 2.5 साल? ये आपकी आंखें तो ऐसे बाहर आ गई जैसे कोई लाश देख ली हो। 2.5 साल ही तो कहा मैंने। लो भाई तुम तो अपनी ही नजरों में गिर गए। हटना जरा एक साइड पे होना। भाई हसीना हसीना पसीना पहुंचिए अपनी जगह से, खुदा महफूज रखे हर हसी से। यहीं रुकिएगा, मैं अभी हाजिर हुआ। भाई क्या शोर मचा रखा है? हसीना हसीना मेरी प्यारी हसीना, कहाँ हो हसीना? हसीना मैं आ गया। लेकिन मैंने तो नहीं बुलाया था। बुलाओ या ना बुलाओ मैं तो आ गया। आपकी नहीं है ये मेरी है। मेरी है ये, मेरी है। ये कैसे मुझे? तुम्हारी बीवी कैसे हो गई है? ये मेरी बीवी है। हाँ तौबा तौबा, मुईन ये अंकल क्या कह रहे हैं? तौबा तौबा तौबा, अपने मजाजी खुदा को अंकल ही कह दिया। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मजाजी खुदा हूँ, शौहर हूँ तुम्हारा।
और मियाँ भी, अब अब्बा मियाँ ना कह देना। चारों आप ही हैं क्या? चार दफा कह के पक्का कर रहा हूँ। अरे हटिए यहाँ से, मुइन ये कौन है? ये तो कह रहे हैं आपके शौहर हैं। इनका दिमाग खराब है क्या? मैं कैसे इनकी बीवी हो सकती हूँ? मैं तो इनको जानती भी नहीं। मुझे पता था, मैं जानता था कि ये मुकर जाएगी, इसलिए कि मुझसे थोड़ा सा जवान शौहर जो इसे मिल गया। थैंक यू। किस बात का? आपने मुझे जवान कहा? अरे मैं सबूत लाया हूँ मेरे जवान होने का। नहीं, इस बात का कि ये मेरी बीवी है। वो तो मैंने देखा है, आप हसीना को भी दिखा दे। हाँ हाँ, जरूर जरूर। जी हाँ, ये देखिए। ये तो मैं हूँ। और साथ मैं हूँ। यही मैंने कहा था। कि क्या आप हैं? नहीं, ये तो हसीना है। देख लिया, तुमने मेरी दौलत से मुतासिर होकर मुझसे शादी की थी, अब यकीन आया? हसीना जी, ये क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ। ये झूठ कह रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। ये गलत कह रहे हैं मुइन। मैं ठीक कह रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं? और कोई जुमला नहीं है क्या आपके पास? अब कहने को रही क्या गया है, मैंने सबूत देख लिया है। अरे लेकिन मैं तो इन्हें जानती भी नहीं। भाई ये ठीक कह रही हैं। देखा देखा। अरे नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो शादी से पहले मुझे जानती भी नहीं थी, लेकिन मेरी दौलत देखकर मुझसे मेल जोल बढ़ाया। अरे कैसी दौलत, कौन सी दौलत? मतलब दौलत नहीं, मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत थी, इसीलिए तो सच बोल रहा है ये। नहीं 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 मुइन, कतई नहीं, मैं तो इस शख्स को जानती तक नहीं हूँ। क्यों भाई, क्या ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं? मैंने इसे लंदन घुमाया, पेरिस घुमाया, अमेरिका लेकर गया, वहां की भी तस्वीरें हैं। दिखाऊं? हसीना, ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है। इसकी बीवी है। मुइन, मेरी बात तो सुने। वो तो अच्छा नहीं था, लेकिन बात बहुत अच्छी कह गया। तुम मेरी बीवी हो और मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा था, मेरी बात सुनो। हसीना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। हसीना सुनो। नहीं। अब तो वो कह गया कि तुम मेरी बीवी हो। हाँ तो गई, ना उसकी बीवी ना मेरी बीवी, फिर ये किसकी बीवी है? जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। अरे भाई, वो तो चैनल का मसला हो सकता है। बिल्लू भाई, मैं ना मुइन भाई के घर गया था, मैंने कहा मेरी बॉल आई है, मुइन भाई ने कहा अंदर आ जाओ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैं अंदर गया और मैंने एक आदमी देखा और वो कह रहा था कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। किसका? तुम्हारा शौहर? नहीं नहीं, वो हसीना बाजी का। हसीना जी का शौहर तो मुइन भाई है। वो तो कह रहा था वो है। अबे यार, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। क्या बात हो रही थी वहाँ पे? कैसा है लड़का? वो तो बुड्ढे से अंकल है। क्या कह रहे? अबे मामू वामू तो नहीं है हसीना की? नहीं नहीं, मैंने खुद सुना है, वो कह रहे थे मैं बाहर रहता हूँ, मेरे पास बहुत दौलत है, मैं हसीना का शौहर हूँ। अच्छा, ये तो पता ही नहीं कि हसीना जी बाहर गई थी या वो आदमी अंदर आया था। अंदर तो है बैठे मैं। अच्छा, तुम ऐसा करो, दोबारा उनके घर में बॉल फेंको। मैं नहीं खेल रहा, मेरे खेलने का वक्त खत्म हो गया है। अबे ओ, तू क्या वक्त पे चलता है, उसूली है क्या? हाँ भाई, मैं बहुत उसूली हूँ, वक्त पर सोता हूँ, वक्त पर खाना खाता हूँ और वक्त पर हर काम करता हूँ। वाह भाई वाह, टाइमर लगा हुआ बॉडी पे। अबे क्या चलता फिरता टाइम बम है क्या? बिल्लू भाई, मेरा मजाक मत उड़ाना वरना। धमकी, गुस्सा बिल्लू भाई को? अरे मैं मार भी देता हूँ, गुस्से का बड़ा तेज हूँ। अरे वो तो लग रहा है, तुम्हारे घर में तो छुरी भी नहीं होगी, तुम्हारी अम्मा सब्जियां काटने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करती होंगी। बिल्लू के बिल वाले अपनी जान बचा ले, मैं बैट मार दूंगा। ओ, अबे पैसे दे के जासूसी करवा रहा हूँ, क्या नहीं चाहिए पैसे? चाहिए चाहिए, जमाने ही पैसे का। ले भाई, बच्चे को भी पता है, भाई आजकल का बच्चा है ना। अच्छा बात सुन,
तू वैसे ही दोबारा बॉल फेंक दे उनके घर में। ऐसे कैसे, खेलूंगा तो फेंकूंगा ना। अरे यार ऐसे ही उछाल देना। मेरा साइज देखा है, 10 फुट के हाथ थोड़ी ना जो ऐसी बॉल उछाल दूं और उनके टेरेस पे बॉल चली जाए। अबे तो पहले कैसे फेंकी थी? पहले तो क्रिकेट खेल रहा था, शॉट मारा, बॉल अंदर चली गई। अबे तो दोबारा शॉट मार देना, बॉल मैं करा दूंगा। नहीं भाई नहीं, मेरे खेलने का टाइम खत्म हो गया अब। नहीं अबे तेरी ऐसी की तैसी, टाइम बम कहीं के, निकल घर से, कोई नहीं मिलेंगे पैसे तुझे। अरे नाराज क्यों होते हो बिल्लू भाई, मैं बॉल कराता हूँ, शॉट मार दो। हाँ ये ठीक है, लेकिन बॉल तुम लेने जाओगे, और हाँ आधे घंटे तक ढूंढते रहना और अंदर की बातें सुन के आना। कितनी अंदर की बात? मैं बस जो बातें हो रही है वही बातें बे। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बॉल कराता हूँ। हाँ ठीक है, ये सही है, बहुत दिन होगा भाई क्रिकेट नहीं खेली, बॉल हल्के कराना, समझ में आई? मैं जल्दी आऊंगा। अंकल आप है कौन, कहां से आ गए और क्यों हमारा घर तोड़ने पर तुले हैं? भाई हैरत है, मैं बिल्डर लेके आपके घर में घुस गया और मुझे पता भी नहीं चला। आप है कौन और क्यों हमारे घर में आए और हमारा घर बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हैं? आपका शौहर हूँ। हो ही नहीं सकता, मेरी एक ही शादी हुई है। जहन पर जोर डालो, याद आ जाएगा। मर गया मोइन, मिट गया मोइन। ऐसे तो ना बोले, आप कोई पेंसिल से लिखी हुई तहरीर थोड़ी है कि रबर से मिटा दिया जाए, आप कोई कुल्फी थोड़ी है जो पिघल के खत्म हो जाएंगे। मैं तो वो मोमबत्ती जो जलाओ तब भी छोटी हो जाती है, ना जलाओ तब भी छोटी हो जाती है। वो कैसे? छोटी मोमबत्ती ही तो हूँ मैं, कहाँ वो हुमायूं कदावर डबल डेकर ट्रक और कहाँ मैं छोटा सा आदमी। नहीं नहीं प्लीज मुईन, ऐसा मत कहिए, मैं आपकी हूँ और आप ही की रहूंगी। यही जुमला आपने उस वक्त कहा था जब मैंने आपका घूंघट उठाया था, आज मुझे पता चला कि आप किसी और की भी हैं। झूठ है झूठ है झूठ है ये मुईन। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरा किसी के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुला हुआ है। वाह मुईन, मेरी बात समझने की कोशिश करें, ये आदमी झूठ बोल रहा है, यकीन करें मेरा, मैं उसकी बीवी नहीं हूँ। कोई शख्स इतनी सारी तस्वीरें दिखाकर झूठ कैसे बोल सकता है? लंदन पेरिस दुबई अमेरिका हर जगह आप उसके साथ हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। भाई ये भी तो हो सकता है कि कोई मेरी हमशक्ल हो। ऐसा कैसे हो सकता है हसीना जी, आपकी कोई जुड़वा बहन भी थी क्या? नहीं मैं तो इकलौती थी। तो फिर ये कैसे मुमकिन है? क्या कि मैं इकलौती थी? यही कि आपकी कोई बहन भी थी। देखिए कोई भी शख्स इतनी दीदा दिलेरी से किसी के घर में घुस के ये नहीं कह सकता कि फला मेरी बीवी है। मोहिन आप उसकी बात पर भरोसा कर रहे हैं? जाहिर है वो इतना पुरेतमाद शख्स है, सबूत भी दिखा रहा है, अगर गलती पे होता तो घर से निकल जाता, वो तो यहीं पसार गया है। ठीक है मैं भी साबित करके रहूंगी कि मैं उसकी नहीं आपकी बीवी हूँ। आप क्या साबित करेंगी, आप तो हैं ही हमारी बीवी हसीना मुईन। छोटे जासूस क्या खबर लाए हो? खबर ये कि अपना मुन भाई नहीं है। मुन भाई क्या हुआ, अब इस दुनिया में नहीं है वो? नहीं नहीं, खबर ये है कि मुन भाई रो रहे थे। मुन भाई रो रहे थे, नए शौहर ने मारा इनको? पता नहीं, मुन भाई ये कह रहे थे कि हसीना तुमने सही नहीं किया। हाँ बेचारे मुन भाई, ये तीसरा शौहर कहाँ से पैदा हो गया? शौहर क्या पैदा होते हैं? नहीं नहीं, पहले छोटे होते हैं, प्यारे प्यारे बच्चे बच्चे छोटे छोटे तेरे जैसे। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ हाँ तू तो बड़ा हो गया, जासूस बन गया है, वो क्या कहते हैं एजेंट 00 पौने 12। पौने 12 मतलब? अबे तो 12 साल का तो नहीं हुआ ना? पूरे 12 साल का हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ मैं। हाँ बेटे तू तो बहुत ही बड़ा हो गया है। हाँ तो फिर मेरे पैसे भी बढ़ा दो बड़े जितने। अरे 12 रुपए ठीक तो है, 12 साल के हिसाब से 12 रुपए ठीक है। 12 रुपए? आपने कहा था कि 100 रुपए दूंगा, मैं इसी चक्कर में जासूसी कर रहा हूँ। 100 रुपए तुझे दूं ताकि तू बिगड़ जाए, चल भाग इधर से। अच्छा मैं हसीना बाजी को बताता हूँ कि आप मुझसे जासूसी करवा रहे हैं। रुक, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा चल 25 रुपए। 25 रुपए कंगला समझावा है क्या मुझे? अबे कंगला है, जबी तो पैसे मांग रहा है ना। ओ बिल्लू केबिल वाले, अपनी टांग बचा ले, अभी ऐसा पत्थर मारूंगा ना टखना टूट जाएगा। अबे क्या कह रहा है, पुरतशद्दुद बच्चा, अबे किसका पीस है तू? पीस मुझे क्या चिकन समझावा है, मैं क्या लेग पीस हूँ? अच्छा पीस नहीं चीज बोल देता हूँ, पनीर बोल देता हूँ, ठीक है बस। चीज क्या पनीर हो गया, ऐसे तो मुझे कोई डबल रोटी पे लगा के खा जाएगा। अरे भाई बच्चा है ना? बच्चा नहीं हूँ मैं, समझे? अच्छा भाई बुजुर्ग, सर पे हाथ रख के दुआ दे दो। मैं क्या मजार पे बैठा हूँ, बुजुर्ग हूँ, दुआ दूँ तुम्हें? अब तो खुद डिसाइड कर लो तू है क्या। मैं जो कुछ भी हूँ, आप मेरे पैसे निकालो, मैंने काम किया आपका। बड़ा काम किया,
बाकायदा कमाऊ पूत बन गया है। निकालो निकालो पैसे वरना हसीना बाजी के घर जाके बता दो। अब अब रुक रुक रुक। अच्छा चल तेरे ना मेरे पूरे 50 रुपए। 50 जहर लगते हैं ना इधर के ना उधर के, पूरे 100 लूंगा। अच्छा बाप ये देख। बाप ना बनाना मुझको, बच्चा हूँ मैं। अब आया ना असलियत पे। नोट तो दे। ये ले। आधा बर्ज है। आधा बर्ज है। हसीना जी। अंकल आप हैं कौन, कहां से आ गए और क्यों हमारा घर तोड़ने पर तुले? भाई हैरत है, मैं बिल्डर लेके आपके घर में घुस गया और मुझे पता भी नहीं चला। आप हैं कौन और क्यों हमारे घर में आए और हमारा घर बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हैं? आपका शौहर हूँ। हो ही नहीं सकता, मेरी एक ही शादी हुई है। ज़हन पर जोर डालो, याद आ जाएगा। जब है ही नहीं तो जोर क्यों डालूं? क्या नहीं है ज़हन? अरे वाह भी वाह, बगैर दिमाग के जिंदा है। मैं आपकी बीवी हूँ ही नहीं, ये कह रही थी मैं। मुझे लगता है आपके सर पे किसी ने डंडा मार के आपकी दूसरी शादी करवा दी। क्या? हाँ आपकी याददाश्त तो चली गई है। देखिए मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, आप जाकर अपनी याददाश्त चेक करवाएं। अरे देखिए मेरी याददाश्त एकदम परफेक्ट है और मुझे तो आपके साथ गुजरा हुआ एक एक लम्हा याद है। लहौल वाला कुआं, शर्म करें कुछ, पाँव आपके कब्र में लटक रहे हैं। पाँव ही लटक रहे हैं कब्र में, धड़ तो बाहर है ना। आप तो बहुत ही ढीठ इंसान लगते हैं कोई मुझे। जी जो भी लगता हूँ आपका शौहर लगता हूँ। अब अपने महल में चले, अरे आप ही फरमाइए कि कहाँ चले, दुबई चले, लंदन चले, पेरिस चले या अपने दुबई वाले महल में चले। आपके हर जगह घर है। अरे भाई अल्लाह ने दौलत ही इतनी दे रखी है, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ एक घर खरीद लेता हूँ, इसीलिए तो आपके नाम पे 2 घर रखे हुए हैं। कौन कौन से? भाई दुबई वाला और लंदन वाला। आप सियासतदान है क्या? नहीं, क्यों? फिर आपकी लंदन और दुबई में जायदाद कैसे है? अरे भाई दौलत ही अल्लाह ने इतनी दे रखी है, मैं तो नोट रख के भूल जाता हूँ। अभी परसों ही का वाकया है, मैंने डाइनिंग टेबल पर नौकर को टिप देनी थी, मैंने 10,000 की गड्डी निकाली और उसमें से यूं करके 500 का नोट निकाला और उसे टिप दे दी और गड्डी वहीं रख के चल दी है। 500 रुपए टिप, और वो भी घर के नौकर को? अरे 500 क्या होते हैं, अगर कोई अच्छा काम करे तो उसे 1,000-1,000 रुपए भी टिप देता हूँ, क्योंकि पैसा बेशुमार है मेरे पास। और तुमने भी यही सोचकर मुझसे शादी की थी ना कि बूढ़ा आदमी है जल्दी लुढ़क जाएगा तो फिर मैं किसी लड़के से दूसरी शादी कर लूंगी, है ना? अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई, अंदर चले केबल लगाना। किसके? मेरे अंदर? अरे भाई टीवी में नए तार डालना अच्छी क्वालिटी के, चलिए अंदर चलिए। किसके टीवी के अंदर? अरे घर के अंदर। नहीं भाई नहीं, तुम घर के अंदर नहीं जा सकते। तो क्या पूरा घर बाहर लाओगे? नहीं 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 अभी नहीं। तो क्या बाद में घर बाहर लाओगे? नहीं नहीं मेरा मतलब है कि तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। क्यों, अंदर कौन है? कोई लड़की लाए हो क्या? तौबा तौबा कैसी बातें कर रहे हो, अंदर मेरी लड़की है, मेरा मतलब है मेरी बीवी है हसीना। हाँ वो तो रोज ही होती है इस घर में। तो क्या है? साथ में कोई और भी है यार। कौन, आपकी साली? नहीं नहीं मर्द है। आपकी साली मर्द है? अरे अंदर एक मर्द है। आपकी साली के अंदर? अरे हमारे घर के अंदर एक मर्द घुस गया है। आपकी साली के घर पे? उमर साली को गोली मार। अरे गलत कह रहे हैं, आप कहे साले को गोली मार। किसके? मेरे साले को? नहीं भाई नहीं, उसको जो घर में घुसा है। जी तो यही चाहता है लेकिन मेरे पास बंदूक नहीं है। क्यों, कौन घुस गया घर में जबरदस्ती? यार वो है ना हसीना। वो मर्द निकले क्या? तौबा तौबा। भाई नहीं यार वो उसका शौहर निकला। हाँ तो वो तो निकल के मेरे सामने खड़ा है। अबे एक और शौहर निकला है, वो अंदर मौजूद है। अच्छा एक और शौहर? क्या एक और शौहर? हाँ ना, ये के शौहरों की कमेटियां डालती है, कभी मुझे कभी आपको कभी और। ये है कौन? एक अधेड़ उम्र के बड़े मियां और दावा कर रहे हैं कि वो उनके शौहर हैं। अच्छा बस दावा कर रहे हैं ना बस। देखो भाई कब्जा सच्चा दावा झूठा, दावे से कुछ थोड़ी होता है। अबे 2.5 साल पहले वो कब्जा ले चुके थे लेकिन बाहर चले गए थे, तस्वीरें हैं उनकी हसीना के साथ। अबे ये तो ब्रेकिंग न्यूज हो गई बाबू, कहो तो केबल पे पट्टी चला दूं। अब पागल है क्या, मेरी बदनामी होगी, खास तौर पर हमारी हसीना की बदनामी होगी। अरे वो तो हो चुकी है, दूसरी शादी निकल आई, आपकी तो सारी रकम डूब गई। कौन सी रकम? अरे वो जो आपने शादी में लगाई थी। भाई मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा।
हसीना। हाँ, क्या हुआ? मुझे लगता है किसी गहरी सोचों में गुम थी आप। नहीं नहीं, बस ऐसे। वो मौसूफ कहाँ है जो जबरदस्ती हमारे घर में रह रहे? वो तो नहा रहे। इतने फ्री हो गए, हमारे घर में ही नहा रहे? घर में नहीं, वॉशरूम में। वैसे हसीना जी, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि काफी दिनों से नहीं नहाए होंगे, इसलिए नहा रहे। नहीं नहीं, इस बारे में नहीं, इस बारे में कि वो आपके हस्बैंड हैं कि नहीं। अच्छा, इस बारे में सुनिए, शादी से पहले किसी ने मेरे सर पर डंडा तो नहीं मारा था? क्यों, क्या हुआ? क्या गोमड़ा अब तक गया नहीं क्या? तो मारा था क्या? नहीं नहीं, मैं समझा कि आपको अब तक तकलीफ हो रही है इसलिए पूछ लिया। नहीं, वो हिमायूं साहब कह रहे थे कि मेरी याददाश्त चली गई। उनके लंदन, दुबई और पेरिस में बंगले भी हैं, जिसमें से दुबई और लंदन वाला मेरा है। अच्छा अच्छा, तो आप किस में शिफ्ट होना चाहती हैं? देखिए मुईन, अब ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो सच कह रहे हैं या झूठ। ठीक है, आपकी मर्जी, आप उनके साथ जाकर देख लें, मेरा क्या है? मैं तन्हाई के सहारे जी लूंगा, जाइए। नहीं नहीं, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। तो फिर मुझे साथ ले जाइए हसीना जी। दो दो शौहर, लोग क्या कहेंगे? कहाँ के? दुबई के, लंदन के? यहाँ के लोग। तो यहाँ कौन रहेगा? आप या तो दुबई में रहेंगी या लंदन में। वैसे सबूत है उनके पास? सबूत बैंगलोर का, यही कि वो बंगले आपके नाम है या नहीं, आप वहाँ थी या नहीं। हाँ, वैसे ये तो पूछना पड़ेगा, मैं अभी पूछती हूँ। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी तो वो नहा रहे हैं, ऐसा ना हो जज्बात में कदम बाहर की तरफ निकाल दें। हाँ ठीक है ठीक है, मैं बाद में चली जाऊंगी। मैं जाता हूँ, ठीक है? हाँ। आप बैठ जाएं, वैसे जैसे बैठे। अरे कि लल्लू इतनी खूबसूरत लड़की पर आशिक हो गया, इसीलिए तुमने इसके सर पे डंडा मारा और इसकी याददाश्त जाती रही और तुमने जबरदस्ती इससे शादी कर ली। जालिम इंसान, तुमने जबरदस्ती मेरे सर पे डंडा मारकर मेरी याददाश्त मुझसे छीन ली। आप इसलिए हर बार डरते रहते थे कि कोई भी मुझे आपसे छीन कर ले जाएगा। आई हेट यू मुईन, आई हेट यू, आई हेट यू। मैं जानता था कि आप लोग मुझसे सबूत मांगोगे, इसीलिए लंदन और दुबई के जो मकानात हैं उनमें मेरी हसीना के साथ जो तस्वीरें हैं वो, और अष्टाम पेपर पर मेरी जो वसीयत लिखी हुई है वो भी। किस चीज की वसीयत? भाई यही ही कि मेरे लंदन और दुबई वाले जो मकानात हैं वो सारे हसीना के नाम हो जाएं, और मेरे खुदा न खास्ता मेरे मरने के बाद ये जहाँ चाहे वहाँ आराम से अपनी जिंदगी बसर करे। आप सच कह रहे हैं? सारी जायदाद मेरे नाम? हाँ भाई, अगर सबूत है तो मैं क्या करूँ? होंगे सबूत? होगा नहीं, अभी है मेरे पास, दिखाऊं? नहीं नहीं, मुझे यकीन है जरूर होगा। भाई यकीन है तो फिर चलो मेरे साथ, चलो लंदन, चलो दुबई, चलो जहाँ जी चाहे मेरे साथ चलो। अब और मुई? और इनसे एहतियातन कह दो कि भाई अब यहाँ से चलो। मतलब? अब तुम इनसे खुला ले लो, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, अब हजार पति नहीं, अरब पति, अरब पति। नहीं नहीं, ये बाकायदा मेरी बीवी है, मैं भी निकालना दिखाऊंगी। अरे वाह भाई वाह, मेरी बीवी के सर पे डंडा मार के उसकी याददाश्त गुम करवा दी, फिर तुमने उससे जबरदस्ती शादी कर ली, तो वो क्या तुम्हारी बीवी हो गई? मुईन, क्या ये सच है? पहले भी इन्होंने यही कहा था। नहीं नहीं, मैं डंडा क्यों मारूंगा तुम्हारे सर पे? वो इसलिए कि तुम्हें ये बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अरे कि लल्लू इतनी खूबसूरत लड़की पर आशिक हो गया, इसीलिए तुमने इसके सर पे डंडा मारा और इसकी याददाश्त जाती रही और तुमने जबरदस्ती इससे शादी कर ली। जालिम इंसान, तुमने जबरदस्ती मेरे सर पे डंडा मारकर मेरी याददाश्त मुझसे छीन ली। आप इसलिए हर बार डरते रहते थे कि कोई भी मुझे आपसे छीन कर ले जाएगा। आई हेट यू मुईन, आई हेट यू, आई हेट यू। ये तुमने क्या किया जालिम? मैंने नहीं, ये सब कुछ तुमने किया है, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। चुप कर जा, तूने मेरी हसीना को मुझसे छीन लिया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा तुझे, देख लूंगा, देख लूंगा। अबे जब एक बार देख लेगा तो इसमें इको डालने की क्या जरूरत है? देख लूंगा, देख लूंगा, देख लूंगा। पागल कहीं का। हसीना 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 हसीना, मेरी बात सुन। बात मत करो मुझसे। हसीना हसीना, मैं आपका शौहर हूँ और वो कोई और है। कौन कोई और है? मेरा शौहर
अरे वो तो मैं हूँ ना। कौन? कोई और? अरे नहीं, शौहर, आपका शौहर। मैं इस शादी को नहीं मानती। आप धोखेबाज हैं, फ्रॉड हैं, चीटर हैं। मैं आपको इतनी अच्छी लगी कि मुझसे शादी करने के लिए आपने मुझ पर तशद्दुद किया और फिर मेरी याददाश्त छीन ली। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो डंडे से कभी चूहे को नहीं मारा, आपको कैसे मार सकता हूँ, मेरा यकीन करें। रहने दे, बस रहने दे। आप इसलिए मुझ पर शक करते हैं, हर आदमी पर शक करते हैं कि मेरा कहीं पुराना शौहर ना निकला, और देखे निकल आया ना। नहीं हसीना, नहीं ऐसा मत कहे, वरना मैं मर जाऊंगा। तो मर जाए मोइन, उनके पास सारे सबूत हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। पहले मैं यकीन नहीं कर रही थी, उनके पास तस्वीरें हैं, घर के कागजात हैं, सब कुछ है, इसलिए तो मैं सोचने पर मजबूर हो गई मोइन। अब मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? अब जाकर आप किसी और को पसंद करें और उसके सर पे डंडा मारकर उससे शादी कर लें, क्योंकि मैं तो आपसे अब खुला लूंगी। बस हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। ये तो गड़बड़ हो गई, हसीना हमारे हाथ से निकली जा रही है। क्या मतलब हमारे हाथ से? नहीं मतलब आपके आपके हाथ से निकली जा रही है। अब मैं क्या करूं? किसका? मेरा? अबे हसीना जी का। सोचते हैं भाई, सोचते हैं, दिमाग पे जोर डालने दे। मैं कोई ईंट उठा कर लाऊं तुम्हारे सर पर रखने के लिए? क्यों, तीसरी मंजिल पे ईंटें चढ़ानी है क्या? नहीं, तुम जहन पर जोर डालोगे ना, सर के बल में खड़ा हो जाऊं। हाँ गुड आइडिया, चलो आप उल्टे हो जाओ, मैं आपकी टांगे पकड़ लेता हूँ। ओ भाई, आप अपने जहन पे जोर ना डाले, इतना सा है पिचक जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, सोचो सोचो इस बारे में, सोचो। किस बारे में? क्या आपका जहन पिचक जाएगा या नहीं? अबे कोई तरकीब सोचो कि उससे कैसे जान छुड़ाएं। किससे? हसीना से? तलाक दे दे बस, मैं मुंह तोड़ दूंगा। हसीना का? अबे तेरा, मैं चाह रहा हूँ कि बस हसीना ना जाए, बस वो चला जाए हुमायूं का मकबरा। उसे अगर हमेशा के लिए भेजना चाहते हो ना, तो उसे रास्ते से हटाना होगा। मतलब अगर वो रास्ते में खड़ा हो तो मैं उससे कहूँ भाई साइड में होना, मैंने गुजरना है? नहीं भाई, उसे हटाना है, हटाना है, रास्ते से हटाना है। बिल्डोजर मंगवा लूं? ओ भाई, तो क्या बिल्डिंग गिरानी है, बंदा गिराना है, बंदा? तो टंगड़ी देकर गिरा दूं? अरे भैया उसे मार डालें, जान से मार डालें। मार डालूं? तुम्हारा मतलब मर्डर? जी मर्डर, फिनिश, खत्म, किल, क्लास। यार मैंने तो कभी चपकली का मर्डर नहीं किया, ये तो आदमी है। अरे चाकू उठाए और घोप दे उसको। चिपकली को? आदमी को भाई। नहीं भाई नहीं, सारा खून खून हो जाएगा, मुझे ना खून से डर लगता है। तो कोई और तरकीब बताओ ना। चिपकली को मारने की? हुमायूं को मारने की। तो फिर ऐसा करे, सोते में उसका गला घोट दे। सोते में गला कैसे घोट सकता हूँ, ख्वाब में? अरे यार किस बोबड़े से वास्ता पड़ गया मेरा। अरे भाई जब वो सो रहा हो तो उसका गला दबा देना, बल्कि मैं तो कहता हूँ किसी चादर या तकिए को मुंह पर रख देना उसके, बैठ जाना। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। बस बस बस, अब जाओ, अब जाओ, अब जाओ, अब जाओ, काम हो जाना चाहिए। अब तो मजा आएगा, वो मर जाएंगे, ये जेल चले जाएंगे, और हसीना एक हसीना एक फसाना, कैसा है नादान जमाना, जो भी उसको देख के गुजरे ढूंढे फिर वो इसका ठिकाना। बस बसे है और परेशानी, कैसी है ये हाय जिंदगानी, क्या हकीकत क्या है तमाशा, सुन लो तुम ये इनकी जुबानी। हसीना मोइन की कहानी। हसीना, मैं जान से मार दूंगा, मेरी हसीना को भगा कर लेकर जाएगा। ये क्या हो रहा है? कत्ल, मर्डर, मर्डर हो रहा है, मर्डर। क्या कह रहे हैं आप, चलिए हटिए यहाँ से। जी जी जी, अच्छा। देखो हसीना, ये मुझे मार देना चाहता था, इसी तरह इसने तुम्हारे सर पे डंडा मारा था, और ये तुम्हें भी मार देना चाहता था। मुई, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर जाओगे। नहीं नहीं, मैं तो अपने पैरों पर खड़ा हूँ। ये इकदाम कत्ल है, इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। कॉल द पुलिस, पुलिस को बुलाओ। फिर दबाऊं तेरा गला, मुझे बंद करवाएगा? एक तो मेरी बीवी को अपनी बीवी साबित कर रहा, ऊपर से मुझे थाने में बंद करवाएगा। भाई इसमें हसीना की भी मर्जी शामिल है, हम लंदन जा रहे हैं। क्यों हसीना? हसीना? हाँ हसीना, जा रही हूँ मैं इनके साथ। 2 साल हो गए हमारी शादी को और आज तक तुम अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पाए। तो ये टांगे क्या मैं किराए पर लाया हूँ, अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ हसीना। इनके पास इतनी दौलत है और इन्होंने खुद मुझे बताया कि लंदन और दुबई में जो बंगले हैं वो मेरे नाम पर है, मुझे वही लाइफस्टाइल चाहिए तुम जो मुझे नहीं दे सकते, समझे?
अब रोना नहीं तुझे रोता हुआ देख मेरी हंसी निकल जाती। ठीक है, आपने फैसला कर लिया इस कंगले को छोड़कर जाने का, तो चली जाइए मुझे छोड़कर, लेकिन मैं आपको तलाक नहीं दूंगा। हम खुला ले लेंगे। आप मेरे निकाह में हो क्या? लाहौल भी लाख हुआ। नहीं, फिर जो निकाह में वही फैसला करेगी। हिम्मत करना, लंदन जाके मैं तुम्हें खुला का लेटर भेज दूंगी, समझे? क्यों भाई, अब बोलो, जबरदस्ती के शौहर? जबरदस्ती का शौहर मैं नहीं, जबरदस्ती के शौहर तुम हो। अच्छा, तो यानी वो सारी तस्वीरें झूठ बोल रही थी? नहीं, तस्वीरें तो सच बोल रही है। अब रोना नहीं, मेरी हंसी निकल जाएगी। हंसी आ रही है, तो तुम जा रही हो इस गिरती हुई इमारत के साथ? हाँ, क्योंकि मुझे एक मॉडर्न लाइफस्टाइल चाहिए और मैं तो हमेशा से बाहर जाना चाहती थी। तो मैं क्या आपको बाहर लेकर नहीं गया? क्लिफ्टन नहीं घुमाया, झूलों पे नहीं बिठाया, चाटी खिलाई थी मैंने आपको? मोइन, मैं दूसरे मुल्क की बात कर रही हूँ। दूसरा मुल्क? पहला मुल्क ही पूरा नहीं घूमा तो दूसरे मुल्क की बात कहाँ से आ गई? और मेरी इतनी हैसियत भी नहीं कि मैं तुम्हें बाहर मुल्क की सैर करवाऊँ। लेकिन मेरी हैसियत है और ये है मेरी बीवी। आओ हसीना, चले। गुड बाय मोइन। तुम्हारी आवाज मेरे कानों में चुभती है। अच्छा, तो ये यहाँ छुपा हुआ है। अबे, किसका घर तोड़ रहा है तू? घर तोड़ रहा है? इसके हाथ में हथौड़ा तो नहीं है? अरे, ये तो पागल खाने से भागा हुआ पागल है। अरे, इसको तो शादियों का शौक है, ये किसी के भी घर घुस जाता है, जाली तस्वीरें दिखा के दूसरों की बीवी को अपनी बीवी बना लेता है। ये क्या कह रहे हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। अबे चुप, वरना घोड़े का इंजेक्शन लगा दूंगा। अबे फिर घोड़े को क्या लगाएगा? अब भाई, बात क्या है वो क्लियर करो, वरना ये आदमी मेरी बीवी ले जाएगा। अरे ऐसे कैसे ले जाएगा? बात यह है कि यह है कंप्यूटर का कीड़ा। तो पहले बताते, मैं इस पर स्प्रे कर देता, किससे ही खत्म हो जाता। अरे, ग्राफिक्स में डिप्लोमा किया है, तस्वीरें जोड़ तोड़ का माहिर है ये, जाली निकाह नामे बना लेता है, सारे कागजात बना लेता है। तो इसको पागल खाने किसने भेजा? जेल भेजते ना इसको। वो तो एसपी साहब ने डलवाया इसे, ये पड़ोसी था उनका, एक बार अपनी ही बीवी के साथ एसपी की तस्वीर जोड़ दी इसने। हाँ, वो तो बावले हो गए, सारा मोहल्ला इससे परेशान था, बस किसी ना किसी की तस्वीर जोड़ लेता है ये। तो पूरा मोहल्ला पागल खाने में है क्या? नहीं नहीं, सिर्फ ये है, इसकी बीवी जो भाग गई है इसकी हरकतों की वजह से, तभी तो ये सबको अपनी बीवी बना लेता है। अरे भाई, ले जाओ इसको, फटाफट ले जाओ। चल बे, चल पागल खाने चल। अरे भी मोहिन, मेरे दोस्त, ये जो वार्डन है ना पागल खाने का, उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है, कहो तो तुम्हारी तस्वीरें उसके साथ बनवा दो। हाँ, नहीं, इसको कहा लेकर जाओ, इसको कहा। मेरी बात तो सुनिए, देखिए, आई एम सॉरी, मैं दौलत की लालच में ना बिल्कुल अंधी हो गई। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे नाराज हो गई। आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहे हैं। आई लव यू टू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। अरे, जान पहचान भी हो जाएगी, बस आपको मुबारकबाद देनी थी। मुबारकबाद किस बात की? अरे सर, आप हमारे अपने बड़े हैं, आज माशाल्लाह पापा हो गए। नहीं,